वैसे किसान जिनका फिंगर काम नहीं कर रहा है या जिनके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा हुआ है, तो उनका जो कि ये पीएम किसान का ई केवाईसी कैसे करना है। जैसे 16वीं किस्त अभी फिलहाल जारी किया जा रहा है या आपका अगला किस्त, तो जिस भी किसान को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा दिया जा रहा है उसका केवाईसी बिल्कुल ज़रूरी है। तो आपको लाइव प्रूफ इसमें करके दिखाने वाले हैं, बिल्कुल आपको बिना जो कि आधार मोबाइल नंबर जुड़े हुए और आपको बिना जो कि फिंगर से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्ले स्टोर से लिखा गया है पीएम किसान। तो यहाँ पे देखिए, या प्ले स्टोर में आ जाना है, यहाँ पे लिखना है पीएम किसान ई केवाईसी फेस, इस पर क्लिक करना है और ये जो कि आपको एप्लीकेशन है इस पर डबल क्लिक करना है, इसी को आपको डाउनलोड करना है। हम जो कि डाउनलोड कर चुके हैं तो यहाँ पर अपडेट का हमको मैसेज आ रहा है, तो बाद में अपना अपडेट करेंगे। तो इसको बैक करते हैं डायरेक्ट और यहाँ पर देखिए पीएम किसान लिखा गया, हम इस पर क्लिक करते हैं और इस प्रकार से आप जो कि किसी भी किसान का फेस केवाईसी आप कर सकते हैं। तो ये जो कि न्यू रजिस्ट्रेशन वाला है सिस्टम, तो जिस किसानों को पैसा नहीं मिलता होगा उसके लिए है। यहाँ पर जिनको पैसा मिल रहा है केवल केवाईसी करना है, तो लॉगिन बटन है इस पर आपको क्लिक करना है और आपको लॉगिन करने के लिए आपको दिया गया है, तो यहाँ पे आपको बेनिफिशियरी आईडी है इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सबसे आसान है आधार नंबर डालिएगा, काहे कि रजिस्ट्रेशन नंबर जब लॉगिन करिएगा तभी आपको मिलेगा। तो आधार कार्ड का जो नंबर है आपको यहाँ पे डाल लेना है, उसके बाद आपको गेट ओटीपी लिखा गया इस पर आपको क्लिक कर लेना है। अब आपका जो पीएम किसान में जो नंबर आपका जुड़ा हुआ है उस पर एक ओटीपी गया है, ना ही कि आपको आधार कार्ड में नंबर जुड़ा हुआ है उस पर गया है। पीएम किसान रजिस्ट्रेशन कराते वक्त जो नंबर आप दिए होंगे उसी पर आपको ओटीपी गया है। आधार नंबर में मोबाइल नंबर जोड़ना कोई मैंडेटरी नहीं है, आपका मोबाइल नंबर नहीं भी जुड़ा होगा तभी आपका काम हो जाएगा। तो उस ओटीपी को यहाँ पे लिखकर लॉगिन बटन इस पर क्लिक करना है। अब आपका जो कि एक एम पिन बना लेना है, ठीक है। तो ये जो कि एम पिन हम बना लेते हैं जिस प्रकार से, यहाँ पे दोबारा वही डालकर सबमिट पर हम क्लिक करते हैं, एम पिन आपको बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सबमिट बटन है इस पर आपको क्लिक कर लेना है और इस प्रकार देखिए जो कि एम पिन जनरेशन सक्सेसफुल हो गया है। अब आपको यहाँ पे दिया गया ओके बटन, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ पे देखिए ये आपको लॉग आउट करने का ऑप्शन आ जाएगा अगर आपका लॉगिन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखा गया डैशबोर्ड, इस पर आपको क्लिक करना है। उनका जितना भी डिटेल्स होगा आपको इसमें देखने को आ जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं इनका जो कि नंबर वंबर वगैरह वगैरह नाम वोम जो रजिस्ट्रेशन नंबर है सब कुछ शो कर दिया है। अगर आप देखना चाहते हैं कि इनका केवाईसी हुआ है कि नहीं, तो देखिए इसको हम कट करते हैं और नीचे में देखिए ई केवाईसी स्टेटस में आपको नो दिखा रहा है और बाकी जो कि बैंक सीडिंग में यस दिखा रहा है, लैंड रिकॉर्ड सीडिंग भी आपको यस दिखा रहा है। तो जो कि किसान का ई केवाईसी नहीं हुआ है, इनका केवाईसी हमको करना है। आपको दिखाने के लिए जो हम कट किए थे इसको हमको बैक जाना होगा तभी जो कि आपको केवाईसी करने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे आपको लिखा गया है बैक वाला सिस्टम है, इस पर हम क्लिक करते हैं और फिर से यहाँ पे डैशबोर्ड वाला सिस्टम है इस पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखिए नीचे में आ गया क्लिक हेयर टू कम्प्लीट ई केवाईसी, तो हम इस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद जो एम पिन आप बनाए थे उस एम पिन को आपको यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट बटन है इस पर आपको क्लिक कर लेना है। आपको यहाँ पे देखिए एग्री कर लेना है, तो यहाँ पे आपको एग्री का दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे स्कैन फेस लिखा गया इस पर आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ पे देखिए फेस आईडी ऐप इंस्टॉल के लिए बोल रहा है, यानी आधार कार्ड का एक फेस आईडी होता है जो आपको आईडी को इंस्टॉल करना होगा। तो यहाँ पे देखिए ओके बटन है इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद देखिए ए वाला जो कि आपको आधार वाला फेस आईडी आ जाएगा, तो इसको इंस्टॉल कर लेना है। पहले इंस्टॉल होगा उसके बाद ही आपका फेस वाला जो कि केवाईसी शुरू होगा। तो चलिए इसके इंस्टॉल होने तक थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए इंस्टॉल हो गया, तो अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ गया। अब क्या करता हूँ यहाँ पर डायरेक्टली जो कि यहाँ से हटकर डायरेक्ट यहाँ पे जो फेस केवाईसी हम कर रहे थे इस पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखिए रिकॉर्ड दिखा रहा है कि ई केवाईसी नो है। यहाँ पे आपको दिया गया बैक वाला सिस्टम इस पर हम क्लिक करते हैं, फिर से हम डैशबोर्ड पर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे देखिए ई केवाईसी क्या आएगा इस पर हम क्लिक करते हैं, फिर से हम एम पिन डालते हैं, फिर से यहाँ पे हम सबमिट पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे जो कि इसको एग्री कर लेते हैं, स्कैन फेस पर हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसको अलाउ कर लेते हैं, आरडी के लिए अलाउ बोल रहा है। कैप्चर आपको कैसे करना है यहाँ पर भी आपको दिया गया है, दोनों कान आपको आना चाहिए, बिल्कुल सही से आपको खड़ा होना है और यहाँ पे देखिए गर्दन को ज्यादा आपको नहीं झुकाना है और नहीं उठाना है, ठीक है। यहाँ पे सारा चीज दिया गया, चलिए हम इस बात को समझ रहे हैं। यहाँ पे आपको टिक कर लेना है और यहाँ पे लिखा गया आपको प्रोसीड, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। उस जो कि कस्टमर का केवल आपको फेस लेना है, ठीक है, इस प्रकार से केवल फेस डिटेक्ट करेगा आपको। इनको थोड़ा सा हम घुमा देते हैं, लगता है कि लाइट का कुछ इशू है और यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक ले लिया, ई केवाईसी हैज बीन कंप्लीटेड हो गया और इस प्रकार से सक्सेसफुल आप देख लिए। और यहाँ पे देखिए
अब अदर भी आदमी के आप केवाईसी करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखा गया आपको ई केवाईसी बेनिफिशियरी, तो इस पर क्लिक करके जितना भी आदमी का एक ही मोबाइल से केवाईसी आप करना चाहते हैं सारा चीज़ आप इसमें कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ई केवाईसी लिखा है अदर, केवल उनका आधार कार्ड का नंबर डालिए, सर्च पर क्लिक करिए और डाटा फिलअप करिए। फिर से आपको एम पिन की जरूरत नहीं है, बहुत सारे डाटा आपको नहीं डालना है, केवल आधार कार्ड का नंबर, मोबाइल पर ओटीपी जाएगा जो पीएम किसान में जुड़ा होगा, सारा चीज़ आपका हो जाएगा। किसी भी किसान का बिना आधार में मोबाइल जोड़े हुए भी या आपको बिना फिंगर का केवल फेस के द्वारा आप चाहे तो ई केवाईसी करा सकते हैं। तो इस प्रकार से किसी भी आदमी का फेस की मदद से उसका पीएम किसान का ई केवाईसी कर सकते हैं, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगा। जैसे यहाँ पे ओटीपी का ज़्यादा झंझट था, आधार ओटीपी नंबर जोड़वाओ, ये करो करो, इससे कोई आपको मतलब नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से आपको पीएम किसान सम्मान योजना का पैसा चाहिए, जो अगला किस्त हो या रुका हुआ पैसा हो या 16वीं किस्त हो, तो भैया आपको केवाईसी करना बिल्कुल ज़रूरी था। सारा जानकारी हम आपको दे दी है, और अभी भी इस वीडियो से संबंधित किसी भी तरीके का प्रश्न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैं उरा शर्मा फिर मिलता हूं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।